माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशन परचेस किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। विचारण के दौरान माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी लालू प्रसाद वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में मामला एमपीएमएलए विशेष न्यायालय को ट्रांसफर होने पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए। पुलिस को जब यह सूचना मिली, शिकायत प्राप्त हुई, तो पुलिस ने इसकी गहन जांच करी है और जांच करके इसमें जो फर्जी दस्तावेज थे उनकी रिकवरी की गई है एवं इसमें अन्य कार्रवाइयां करके ये अभियोग पत्र न्यायालय पेश किए थे। टूर में भी इनको बुलाया गया था, जो टूर में पेश नहीं हुए, क्या कुछ कार्रवाई चली जब अब आके वारंट जारी हुई है? पूर्व में पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव के संबंध में फरारी में चालान पेश हुआ था, उनको फरार दर्शित करते हुए। बाद में न्यायालय के द्वारा परीक्षण पर यह पाया गया कि यह लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हैं। ऐसी स्थिति में यह आदेशिका जारी की गई। थाना इंदरगंज ग्वालियर के द्वारा मामले का इन्वेस्टिगेशन किए जाने पर यह मामला पेश किया गया। सर, इस मामले में कितने आरोपियों को वारंट जारी किए? कुल इसमें 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी हुए। ग्वालियर से क्या कनेक्शन था? ग्वालियर से जो आर्म्स डीलर थे उनसे ये एम्यूनिशन परचेस किए गए थे फॉर्म नंबर 16 के माध्यम से। क्या लगा था आर्म्स जो परचेस किए थे कहाँ उपयोग किए थे? इसके बारे में चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, मेरिट्स के ऊपर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। यह न्यायालय में अभी मामला विवेचनाधीन, न्यायालय के समक्ष लंबित है। ऐसी स्थिति में गुण दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के यहाँ विचाराधीन है मामला।